नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आप सभी का स्वागत है आज खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस क्यों एक बार फिर गलती दोहरा रही है और अशोक गहलोत पर भरोसा कर रही है। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे जयपुर में खीर वितरण के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें कई आरएसएस कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं आगे चर्चा करेंगे इजरायली हमले में मारे गए हमास चीफ याहिया सिनवार की। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बेंगलुरु टेस्ट में तीसरे दिन का खेल समाप्त, दूसरी पारी में भारत का स्कोर 231 3 रन। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, 18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर। पराली जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर, मंडी में फसल बेचने पर लगी रोक हरियाणा सरकार। इस बार हम भाजपा को डिब्बे में बंद कर देंगे, चुनाव से पहले बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। हमास से जुड़े सीनियर लीडर ने याहिया सिनवार की मौत की पुष्टि की, कहा ये परेशान करने वाला है। बेनामी संपत्ति लेन देन पर रोक लगाने वाले प्रावधानों पर सुप्रीम फैसला, उच्चतम न्यायालय ने वापस लिया फैसला। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के आयोजन नहीं होने चाहिए, सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा खत। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कार्यवाही, मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5 अन्य को किया गिरफ्तार। आरबीआई पुलिस नहीं, ये वित्तीय बाजार पर निगरानी रखता है और जरूरत पड़ने पर कार्यवाही करता है, बोले गवर्नर शशिकांत। घाटे से बाहर निकल हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 218 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,850 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं उस मुद्दे के बारे में जो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। हरियाणा में करारी हार के बाद कांग्रेस ने कहा था कि वह इस पर आत्ममंथन करेगी, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के लिए जिस तरह का काम पार्टी कर रही है उसे देखकर नहीं लगता है कि हरियाणा की हार से पार्टी ने कोई सबक लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एआईसीसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को वरिष्ठ समन्वयकों की विस्तृत सूची जारी की है। इस सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। हरियाणा में जिन लोगों ने जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया उन्हें ही फिर से पार्टी ने कमान सौंप कर ये साबित कर दिया है कि पार्टी अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखती है। इसके पहले भी पार्टी में हार के कारणों के जानने के लिए कई कमेटियां बनी, पर उनकी दी हुई रिपोर्ट के पन्ने आज भी धूल फाक रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अशोक गहलोत जैसे थके हुए लोगों पर पार्टी क्यों कर रही है भरोसा? पार्टी को अपने पुराने दरबारियों पर क्यों है इतना भरोसा? जब भरोसा ही नहीं करेंगे तो क्यों टिकेंगे युवा नेता? जाहिर है कांग्रेस ने कहा था कि वह अपनी गलतियों से सीखेगी, लेकिन आगामी महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के लिए पर्यवेक्षकों की सूची देखकर यही लगता है कि पार्टी को पिछली गलतियों से कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में प्रभारी होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकने वाले अशोक गहलोत जैसे नामों को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक बार फिर से काम सौंपा गया है। ये कहीं ना कहीं पार्टी की सबसे बड़ी गलती है जिसका खामियाजा उसे आगामी चुनाव में उठाना पड़ेगा। खैर, अब आपको ले चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जयपुर में चाकूबाजी की घटना सामने आई है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जयपुर के करनी विहार थाना इलाके के रजनी विहार में गुरुवार रात शरद पूर्णिमा के अवसर पर खीर वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इसी दौरान अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने हंगामा कर दिया, फिर कई लोगों पर चाकू से हमला कर दिया जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, आप भी देखिए। सीसीटीवी में दिख रहा है कि मंदिर परिसर में कुछ लोग आराम से बैठे हैं, जिनमें एक बच्चा और महिला भी हैं।
इस दौरान दो लोग आते हैं और खीर के बर्तन को लात मारकर गिरा देते हैं। सभी आरोपियों को समझाने की कोशिश करते हैं, जो लोग गाली गलौज करने लगते हैं। इसके बाद आरोपी चाकू से हमला करने लगते हैं। हमलावरों में से एक का नाम नसीब चौधरी है। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि हमलावर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इस घटना से आक्रोशित कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए दिल्ली अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया। हालांकि उन्हीं ने देर रात अपना धरना वापस ले लिया। फिलहाल पुलिस ने संबंधित दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी नसीब चौधरी और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और हमले में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। मामले में आगे जांच की जा रही है। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। आखिरकार इसराइल के हमले में हमास का चीफ याहिया सिनवार ढेर हो गया है। इसे इसराइल बड़ी उपलब्धि मान रहा है। इसराइल का आरोप है कि सिनवार ने ही पिछले साल अक्टूबर में उस पर बड़े हमले की साजिश रची थी। पूरे मामले का वही मास्टरमाइंड था। वहीं सिनवार की मौत के बाद अब हमास की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सिनवार को ईरान का बेहद करीबी माना जाता है। अब चार लोगों के नाम चर्चा में है जिन्हें हमास की कमान सौंपी जा सकती है। चर्चा में पहला नाम महमूद अल जाहर का है। यह हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक रह चुका है। वह न सिर्फ इसराइल के साथ युद्ध में लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का काम करता रहा, बल्कि गाजा के शासन के लिए नीतियां बनाने में भी उसकी अहम भूमिका रही। वह 2006 में गाजा में बनी हमास सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुका है। इसके अलावा याहिया सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार भी हमास चीफ की रेस में आगे चल रहा है। पिछले कई सालों से वह हमास में एक्टिव है। अमेरिका का भी मानना है कि वह याहिया की जगह ले सकता है। पिछले काफी समय से वह इसराइल के निशाने पर है, लेकिन हर बार वह बचता रहा है। इसके अलावा खलील अल हया का नाम भी रेस में चल रहा है। ऐसे में अगर हमास अब इसराइल के साथ चर्चा चाहता है तो खलील को कमान सौंप सकता है। इसके अलावा एक और नाम चर्चा में है, हमास लीडर अबू मरजोक का, जो पॉलिटिकल ब्यूरो का सदस्य है। ऐसे में याहिया सिनवार की मौत के बाद हमास की कमान किसके हाथों में जाती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में भले ही संविधान आरक्षण और जातीय समीकरण साधकर बीजेपी की हिंदुत्व की राह में रोड़े बिछा दिए थे, लेकिन कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और हाल ही में संपन्न हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व ने एक बार फिर हुंकार भरी और कांग्रेस के हरियाणा में सरकार बनाने के सपने चूर चूर हो गए। इसी से उत्साहित बीजेपी अब यूपी के उपचुनाव में भी हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करने का मन बना चुकी है। जातीय समीकरण को साधने के लिए भाजपा फिर हिंदुत्व के एजेंडे का इस्तेमाल करेगी। कहा जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का फायदा भाजपा यूपी के उपचुनाव में भी उठाना चाहती है। पार्टी का भी मानना है कि हिंदुत्व के फॉर्मूले से जातीय समीकरण साधने में उसे मदद मिलेगी। भाजपा का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए नवंबर में होने वाले उपचुनाव में हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद के फॉर्मूले का परीक्षण करेगी। लोकसभा चुनाव में यूपी में मन माफिक नतीजे नहीं आने से दुखी बीजेपी को अगर हिंदुत्व के सहारे उपचुनाव में सफलता मिलती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसी आधार पर पार्टी का आलाकमान रणनीति बनाएगा। दरअसल हरियाणा में लगातार तीसरी बार और 2014 व 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाकर भाजपा ने सारे कयासों को झुटला दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का करिश्मा भाजपा भले ही ना कर पाई हो, लेकिन वहां मिले सबसे ज्यादा वोटों ने पार्टी में नई उम्मीद जगाई है। साफ है कि अब भाजपा यूपी के उपचुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देगी। इसका असर प्रदेश में दिखने भी लगा है। हालांकि भाजपा के एजेंडे की काट को लेकर कांग्रेस और सपा ने भी तैयारी शुरू कर दी है। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।